हेलो एवरीवन, सिविल स्टेप के इस वीडियो में आपका स्वागत है। यह हमारे जिज्ञासा सीरीज का लेक्चर है। इस सीरीज में हम करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं, जो आपके आने वाले प्रीलिम्स 2019 के लिए काफी यूजफुल हो सकते हैं। इस सीरीज को अगर आप अच्छे से फॉलो करते हैं तो आप करंट अफेयर्स की तैयारी काफी आसानी से कर पाएंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी काफी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इसके लिए जो सोर्सेज यूज किए हैं वो है द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, बिज स्टैंडर्ड, लाइव मिंट और पीआईबी। इनके जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज होते हैं उससे हम एमसीक्यूज बनाते हैं और आपके सामने लेकर के आते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप चाहे तो उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस लेक्चर का पीडीएफ आपको हमारे वेबसाइट civilstep.com पे मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये लेक्चर। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा करंट अफेयर्स का टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुका है। इसमें टोटल 10 टेस्ट्स हैं। इससे आपके करंट अफेयर्स की रिवीजन काफी आसानी से हो जाएगी। हमने जनवरी 2018 से लेकर के मई 2019 तक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने की कोशिश की है। करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट सोर्स हो सकते हैं हमने सबको उठाया है और आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए हैं। तो यह काफी इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज हो सकता है आपके करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए। इसका फीस है 1499। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, आप चाहे तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं ये लेक्चर। आज का आपका पहला सवाल है, विथ रेफरेंस टू एशियन डेवलपमेंट बैंक कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपका पहला स्टेटमेंट है, इट हैज हेडक्वार्टर्ड एट जाकार्ता इंडोनेशिया। सेकेंड स्टेटमेंट है, जापान होल्ड्स द लार्जेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ शेयर्स इन एशियन डेवलपमेंट बैंक। आपको यह बताना है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। जो पहला स्टेटमेंट है कि इसका हेडक्वार्टर जाकार्ता में है, यह गलत है। इसका हेडक्वार्टर फिलीपींस के मनीला में है, ना कि जाकार्ता में। जो सेकेंड स्टेटमेंट है कि जापान के पास इसका सबसे लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ शेयर है, यह बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत है, सेकेंड सही है। आपका आंसर है टू ओनली बी। इसके डिटेल को समझते हैं। इस क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट यह है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अभी हाल ही में एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट 2019 को पब्लिश किया है। इस रिपोर्ट में इंडिया का ग्रोथ फोरकास्ट 7.6 से कट करके 7.2 कर दिया गया है 2019-20 के लिए। तो इसे आपको ध्यान रखना है। इसका रीजन यह बताया गया है कि इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट पिकअप करना चाहिए था वो पिकअप नहीं हुआ है, इस कारण से यह स्लोडाउन आ सकता है। 2020-21 के लिए ग्रोथ रेट 7.3 रहने की संभावना है इस रिपोर्ट के मुताबिक, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। यह पहली मल्टीलेटरल लेंडिंग एजेंसी है जिसने इंडिया के ग्रोथ फोरकास्ट को कम किया है। इसके पहले आईएमएफ ने भी अपने रिपोर्ट में इंडिया का ग्रोथ फोरकास्ट 7.5% बताया था और आरबीआई के रिपोर्ट के मुताबिक भी इंडिया का ग्रोथ 7.4% से होगा, तो इसे आपको ध्यान रखना है। इस कट के बावजूद भी इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी होगा, बिकॉज जो चाइना का ग्रोथ होगा वो 6.3% से होगा 2019-20 में, तो ऑलमोस्ट 1% ज्यादा ग्रोथ रेट से हम ग्रो करेंगे चाइना के मुकाबले, तो इसे आपको ध्यान रखना है। इंडिया का जो इंपोर्ट है वो बढ़ सकता है, बिकॉज यहां डोमेस्टिक डिमांड काफी स्ट्रांग है, लेकिन एक्सपोर्ट जो होगा वो घट सकता है, बिकॉज जिस कंट्री में हम एक्सपोर्ट करते हैं वहां डिमांड कम होने की संभावना है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। जो हमारा करंट अकाउंट डिफिसिट है वो भी थोड़ा बढ़ सकता है, 2.4% जीडीपी का होगा वो 2020-19 के लिए और 2020 के लिए वह होगा 2.5% ऑफ जीडीपी, तो इसे आपको ध्यान रखना है। इसके जो भी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स है यूपीएससी इनसे स्टेटमेंट के फॉर्म में सवाल बना सकती है। एशियन डेवलपमेंट बैंक को समझ लेते हैं। यह एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है और इसकी स्थापना दिसंबर 1966 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर मनीला में है। इसका एम यह है कि एशिया के अंदर यह सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करे। इसमें 67 मेंबर हैं, एशिया के 48 कंट्रीज इसके मेंबर हैं और आउटसाइड के 19 कंट्रीज इसके मेंबर हैं। जापान इसमें लार्जेस्ट शेयर होल्ड करता है, उसके बाद जो शेयर है यूएसए के पास है। जो ये ग्रीन में कंट्रीज हैं ये एशियन कंट्रीज मेंबर हैं और जो ये ब्लू में है ये एशिया के आउटसाइड की कंट्रीज जो मेंबर हैं उनको डिनोट किया गया है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। यह काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपका अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर बॉर्डर विथ मेडिटेरेनियन सी। पहला कंट्री है मोरक्को, सेकेंड है अल्जीरिया और तीसरा है ट्यूनिशिया। आपको यह बताना है कि इनमें से कौन सी कंट्री मेडिटेरेनियन सी के साथ बॉर्डर शेयर करती है। अगर आपको अफ्रीका का मैप ध्यान है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे, नहीं ध्यान है तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। यह फैक्चुअल नेचर का सवाल है। इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, तीनों की तीनों कंट्री मेडिटेरेनियन सी के साथ बॉर्डर को शेयर करती है। इसके डिटेल और कॉन्टेक्स्ट को देखते हैं। इस क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट यह है कि अल्जीरिया के प्रेसिडेंट ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।
दो दशकों से अपने पद पे बने हुए थे। अल्जीरिया में फरवरी से भारी प्रोटेस्ट हो रहा था प्रेसिडेंट को उनके पद से हटाने के लिए। अल्जीरिया के लोग कंट्री में नए पॉलिटिकल सिस्टम की डिमांड कर रहे हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान रखना है। ये जो करेंट प्रेसिडेंट थे ये 1999 से अपने पद पे बने हुए थे, जब कंट्री में सिविल वार हो रहा था 1999 में, तब मिलिट्री के सपोर्ट से ये प्रेसिडेंट बने थे और इन्होंने अल्जीरिया को काफी आगे बढ़ाया, स्ट्रॉन्ग वेलफेयर स्टेट बनाया, जो ऑयल एंड गैस से रेवेन्यू आते थे उससे कंट्री की काफी डेवलपमेंट की। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आप ध्यान रखें। अफ्रीका के मैप में अल्जीरिया को देख लेते हैं। यह हमारा अल्जीरिया है, यह मोरक्को है, यह ट्यूनेशिया है, यह लीबिया है और यह इजिप्ट है। ये सारे के सारे कंट्री मेडिटेरेनियन सी के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, तो इसे आपको ध्यान रखना है। अफ्रीका और यूरोप के बीच यहां स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, तो यह भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान रखना है। ब्लैक सी और एजियन सी को बॉस्फेरस स्ट्रेट कनेक्ट करता है, तो यह भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान रखना है। मेडिटेरेनियन सी के साथ यहां इसराइल है, यह भी अपना बॉर्डर शेयर करता है। फिर इधर टर्की है, यह भी शेयर करता है। तो इन सब कंट्रीज को आप ध्यान रखें, कहीं से भी यूपीएससी सवाल बना सकती है। यह रीजन काफी इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी यूपीएससी 2-3 बार इस रीजन से सवाल पूछ चुकी है और आगे भी पूछ सकती है। तो यह सारे हॉट लोकेशन को आप ध्यान रखिए। आपका अगला सवाल है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपका पहला स्टेटमेंट है, ब्लैक होल्स आर पॉइंट इन स्पेस दैट आर सो डेंस दैट दे क्रिएट डीप ग्रेविटी सिंक्स। सेकेंड स्टेटमेंट है, द थ्योरी दैट द प्रीमोडियल ब्लैक होल्स आर अ सोर्स ऑफ डार्क मैटर वॉज प्रपोज्ड बाय प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग। आपको यह बताना है कि इन दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। जो पहला स्टेटमेंट है कि ब्लैक होल डीप ग्रेविटी सिंक्स क्रिएट करता है, बिल्कुल सही है। और जो सेकेंड स्टेटमेंट है कि डार्क मैटर का सोर्स प्रीमोडियल ब्लैक होल्स है, स्टीफन हॉकिंग ने बताया था, यह भी बिल्कुल सही है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आपका आंसर है बोथ 1 एंड 2 सी। इसके डिटेल को समझते हैं। इस क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट यह है कि एक इंटरनेशनल रिसर्च टीम ने यह बताया है कि स्टीफन हॉकिंग की जो थ्योरी है प्रीमोडियल ब्लैक होल्स डार्क मैटर के सोर्स हैं, तो यह गलत भी हो सकता है। यह काफी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है, इसे आपको ध्यान रखना है। डार्क मैटर ऑल्दो कभी डिटेक्ट नहीं हुए हैं, बट ऐसा माना जाता है कि ये पूरे यूनिवर्स में प्रेजेंट है। यूनिवर्स का 95% पोर्शन डार्क मैटर से बना है, तो यह काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान रखना है। यूनिवर्स में कुछ ऐसे इवेंट हुए हैं जो सिर्फ और सिर्फ डार्क मैटर के कारण ही हो सकते हैं, इसलिए ऐसा माना जाता है कि डार्क मैटर यूनिवर्स में प्रेजेंट है। डार्क मैटर का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मिल्की वे के स्टार को दूर नहीं जाने देता है, तो यह काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान रखना है। डार्क मैटर को डिटेक्ट करने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, उनमें से एक फेमस एक्सपेरिमेंट है लार्ज हाइड्रन कोलिडर, जो कि अंडरग्राउंड एक्सपेरिमेंट है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट को आप ध्यान रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। ब्लैक होल्स के बारे में जान लेते हैं। यह स्पेस का वैसा रीजन है जहां ग्रेविटेशनल फील्ड काफी इंटेंस है, यहां से कोई भी मैटर और रेडिएशन एस्केप नहीं कर सकता है, तो यह काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान रखना है। प्रीमोडियल ब्लैक होल्स वो ब्लैक होल्स हैं जो बिग बैंग के स्टार्टिंग में ही बने थे, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान रखना है। स्टीफन हॉकिंग ने इसका मास मेजर किया था 1971 में और उन्होंने यह बताया था कि डार्क मैटर के ये सोर्स हो सकते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स थी। इन सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट को आप ध्यान रखिए। आपका अगला सवाल है, विथ रेफरेंस टू परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपका पहला स्टेटमेंट है, इट इज एन इंडिकेटर ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स ओनली। सेकेंड स्टेटमेंट है, इट इज अ सर्वे बेस्ड इंडिकेटर्स। आपको यह बताना है कि परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। जो पहला स्टेटमेंट है कि सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इंडिकेट करता है, गलत है, या सर्विस सेक्टर को भी इंडिकेट करता है। जो सेकेंड स्टेटमेंट है कि ये सर्वे बेस्ड इंडिकेटर्स है, बिल्कुल सही है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है और सेकेंड सही है। आपका आंसर है 2 ओनली बी। इसके डिटेल को देख, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर दोनों बिजनेस एक्टिविटी का इंडिकेटर है। यह सर्वे बेस्ड मेजर होता है जिसमें जो भी की बिजनेस वेरिएबल हैं, जैसे कि आउटपुट, न्यू ऑर्डर, बिजनेस एक्सपेक्टेशन, एम्प्लॉयमेंट, इन सब के ऊपर क्वेश्चनर बनाया जाता है और जो भी बिजनेस में इन्वॉल्व लोग हैं उनसे सर्वे किया जाता है कि उनके परसेप्शन में क्या चेंज आया है। फिर सेपरेटली मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के लिए डेटा कैलकुलेट किया जाता है, उसके बाद कंपोजिट इंडेक्स रिलीज किया जाता है दोनों को मिला करके। तो ध्यान रखिएगा, जो फाइनल इंडेक्स है उसमें दोनों आते हैं। यूपीएससी ऐसा सवाल पूछ सकती है, ठीक है। अगर स्कोर 50 से ज्यादा है तो ऐसा माना जाता है कि बिजनेस एक्सपेंड कर रहा है, और स्कोर 50 से कम है तो ऐसा माना जाता है कि बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। जो भी की वेरिएबल्स हैं
उसके ऊपर जो लोग बिजनेस में इन्वॉल्व हैं उन्हें रेटिंग देनी पड़ती है और रेटिंग के बेसिस पे स्कोर कैलकुलेट किया जाता है। जनरली यह डेटा जो इंडस्ट्रियल आउटपुट का डेटा है उससे पहले आ जाता है, तो मार्केट को एक आइडिया लग जाता है कि इंडस्ट्री किस डायरेक्शन में ग्रो कर रही है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान रखना है। बहुत बार सेंट्रल बैंक इसके डेटा को इंटरेस्ट रेट का डिसीजन लेने में भी यूज करते हैं, तो ये काफी महत्वपूर्ण डाटा है। इससे मार्केट को आइडिया मिलता है, लोगों को आइडिया मिलता है, जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं उनको आइडिया मिलता है। तो इन सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट को आप ध्यान रखिए। आपका अगला सवाल है, नूजन मोबिलिटी सबमिट 2019 हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। आपका ऑप्शन ए है इंडिया, बी है जापान, सी है यूएसए और डी है चाइना। आपको यह बताना है कि न्यूजन मोबिलिटी सबमिट 2019 कहां ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। यह फैक्चुअल सवाल है, अगर आपको पता है तो आप आसानी से अटेम्प्ट कर लेंगे, नहीं पता है तो आप ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं कर सकते हैं। इसका आंसर है इंडिया ए। इसके डिटेल को देखते हैं। इस क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट यह है कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी के द्वारा न्यूजन मोबिलिटी सबमिट 2019 को मानेसर में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। यह ऑर्गेनाइजेशन होगा नवंबर 2019 को। इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी को इसमें मदद कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे एक्ट में, और भी नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उसकी मदद कर रहे हैं। तो एक काफी इंपॉर्टेंट सबमिट है, इसे आपको ध्यान रखना है। इस सबमिट का उद्देश्य यह है कि ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी में क्या क्या नए डेवलपमेंट हुए हैं वह सबको पता चल सके, शेयर करने के लिए एक प्लेटफॉर्म होगा। यहां पे सारे स्टेक होल्डर्स आएंगे जिसमें इनोवेशन क्या क्या हुए हैं, क्या क्या नए टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स हैं, इन सब की बातें की जाएंगी। तो यह काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी जो है नेत्रिप इंप्लीमेंटेशन सोसाइटी का पार्ट है, यह डिपार्टमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्री के अंदर काम करता है और इसका एम यह है कि टेस्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करे, साथ ही साथ जो भी नए टेक्नोलॉजी को लेकर क्या क्या रेगुलेशन होंगे उसके लिए सर्विस प्रोवाइड करे ऑटोमोबाइल सेक्टर को। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान रखना है। इसका एम यह है कि ये रिलायबिलिटी को इंश्योर करे, ड्यूरेबिलिटी और कंप्लायंस को इंश्योर करे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप ध्यान रखिए, कहीं से भी यूपीएससी सवाल बना सकती है। होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, कमेंट में बताएं हमारे इस सीरीज से आपको कैसे फायदा हो रहा है प्रीलिम्स की तैयारी करने में। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप चाहें तो उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां हमारे ऐप का भी लिंक दिया गया है, आप उसे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इस लेक्चर का पीडीएफ आपको हमारे वेबसाइट civilstep.com पे मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।